हठयोग प्रदीपिका में आसन के लिए बोला गया है स्थैर्यम आरोग्यम च आंगलाघवम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट के जो जो अभी मैंने जो श्लोक का उच्चारण किया लास्ट लाइन, उसका उसको याद में रखना है आपको। स्थैर्यम मतलब स्थिरता, आरोग्यम मतलब हेल्दी, च आंगलाघवम मतलब लाइटनेस ऑफ द बॉडी। तो दीज आर द टू थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर बिफोर यूर गोइंग फॉर वाइवा। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा दैट टाइम दे विल आस्क यू, और एग्जाम में भी आ सकता है राइटिंग में विद सर्टेन ऑप्शंस। ये नंबर्स ऑफ आसन है उसका आपको पता करने की जरूरत नहीं, बट यू नीड टू रिमेम्बर कि हठयोग प्रदीपिका में कितने आसन दिए गए हैं। हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन दिए गए हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। 15 आसन है हठयोग प्रदीपिका। पतंजलि देयर इज नो आसन, एनी पोस्चर विच इज स्थिर एंड सुखदायी होती है उसको आप आसन कहते हैं एज पर महर्षि पतंजलि। करंट तक आपको नहीं पूछेंगे बिकॉज इट इज नॉट देयर। प्रैक्टिस जब करोगे आप प्रैक्टिकल में, तो दे विल ऑब्जर्व यू हाउ यू हैव टेकन द प्रिपरेटरी पोज, हाउ यू हैव गॉन इन द आसन, हाउ यू हैव होल्डेड द आसन, हाउ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द आसन, एंड हाउ यू आर रिलैक्सिंग आफ्टर द आसन। ये आपका एकदम शांतिमय है अगर, मतलब एकदम आराम से आप कर रहे हो, तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें प्रैक्टिकल में। ब्रीदिंग पैटर्न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपको पूछा जाएगा कि पश्चिमोत्तानासन में आपका ब्रीदिंग क्या होना चाहिए, अगर ये पूछ लिया तो आप यू नीड टू रिमेम्बर दैट पश्चिमोत्तानासन में मेरा स्पाइन फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, इट इज गोइंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में आपका एक्सेलेशन होता है, ठीक है। सो यू कैन से दैट यू नो व्हाइल गोइंग इन द आसन यू एक्सेल। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर शीट इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। For teaching also this is very important, because as and when you are teaching asanas, if you remember that you know there is a backward bending or there is a forward bending, you accordingly can teach how to breathe or what has to be the breathing pattern. Most of you are like, you know, as of now, I mean obviously you are not teaching asanas, but you know Sukshma Vyayam also has contraindications. So when you are teaching Sukshma Vyayam or asanas, you need to explain the contraindication and the briefing well in advance. If somebody is having vertigo, then this variation in standing position is not recommended to them. So you are supposed to speak to your sadhak that you know those who are suffering from vertigo will not do this neck movement. Okay, so contraindication should be explained well before you are teaching any asana or any sukshma vyayama. Then you will explain them the techniques, and once technique is taught, you will observe, you will watch them. Since this is the online class, okay, you are supposed to watch each and every sadhak who is performing. उनके पैर दोनों साथ में है कि नहीं? कुछ भी जब आप हस्तोत्तानासन करवा रहे थे, राहुल जी के पैर जो थे वो फैले हुए थे. Okay, so feet together, you have to correct them. Even if you, since you are teaching, it is fine if you are not performing. एक बार करके दिखा दो. उसके बाद यू हैव टू वॉच योर ऑडियंस, ठीक है, योर साधक, वेदर दे आर डूइंग राइट और नॉट, दैट हैज टू बी सीन परफेक्टली, ओके, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन, यू नो दीज आर द बेनिफिट्स वी हैव डन, लेट्स से हस्तोत्तानासन, लेट्स से वी हैव डन भुजावली शक्ति विकास, भुजावली शक्ति विकास से हुआ क्या, ओके, व्हाट इज द बेनिफिट वी हैव गॉट, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट एट द सेम टाइम, ओके, एवरीवन कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर टीचिंग आसन। धैर्यम आरोग्यम च आंगलाघवम स्थिर सुखम आसनम, दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। चलो, ये मेडिटेटिव पोस्चर है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। सिटिंग आसन है, सिटिंग में हमने मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग विच इज देयर इन योर सिलेबस, तो दिस इज ऑल्सो देयर इन योर सिलेबस, बट यू विल टेक इट लिटिल लेटर ऑन। सो लेट्स टॉक अबाउट धनुरासन। तो धनुरासन इज व्हाट, कैन यू टेल मी, ये सुपाइन है या प्रोन पोज है? प्रोन पोज है। प्रोन पोज है, ओके, ग्रेट। प्रोन पोज क्यों है सर? क्योंकि वो पेट के बल लेट के कर रहे हैं, सुपाइन के अपोजिट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो धनुरासन की बात कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आसन, वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म। अगर आपको ये फोटो दिख रहा है तो इसमें आपको इजीली पता चल रहा होगा कि मैंने क्या किया, ओके,
इसका श्लोक है हठयोग प्रदीपिका में, पादांगुष्ठो तु पाणिभ्यां गृहीत्वा श्रवणावधि धनु प्राकर्षणम कुर्यात् धनुरासनम उच्यते। मतलब होल्डिंग द टोज विद द हैंड्स, ओके, अपने जो टोज है उनको हाथ से पकड़ना है। अभी इसमें मैंने एंकल पकड़ा हुआ है, बट द जो मेन जो धनुरासन का पोजीशन होता है उसमें यू आर नथिंग इज रॉन्ग। जैसे आप कंफर्टेबल होते हो ना वैसे आपको करना है, ऐसा नहीं है कि, बट दे आर सेइंग दैट यू हैव टू होल्ड द टोज विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, पुल देम अप टू द इयर्स एंड इफ ड्रॉइंग अ बो लाइक अ ड्रॉइंग लाइक ड्रॉइंग अ बो, दिस इज कॉल्ड धनुरासन। तो आपको ऊपर से आपको अपने जो पैर के टोज है उसको खींचना है, मतलब कि आपके उस लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, करंटली यू आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल ऑब्वियसली, तो यू कैन नॉट डू, बट एटलीस्ट दिस हैज टू बी डन द वे इट इज शोन इन दिस पिक्चर। अभी मैं आपको, अगर मैं दिख रहा हूँ आपको तो आपको मैं करके दिख रहा हूँ। एम आई विजिबल टू यू? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहे आप, गायब हो गए। ठीक है, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। कल हम लोग सब साथ में प्रैक्टिस कर सकते। सर इसमें आइडली जो आप बोल रहे हैं तो वो मतलब टो को कान के पास लाना होता है क्या? हाँ, क्योंकि जितना आपका हुआ है ना मेरा उससे थोड़ा ही हो पाता है बस, मतलब लेकिन इतना भी नहीं उठ, नीचे से थाइस पूरी नहीं उठ पाती है। तो द फर्स्ट टारगेट इज की पुशिंग योर थाइस अपवर्ड, यही मेन टारगेट है आपका। सबसे पहले अपने थाइस को ही ऊपर पुश करना है। अभी दिख रहा है? नहीं लेकिन थोड़ा ठीक है, आप करो। मेरा खाना बाहर ना निकल रहा है। डायरेक्ट आसन में नहीं जाना है, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करो, दोनों पैरों को फैला के रखो प्रोन पोज में, मकरासन में आप रहोगे। मकरासन क्या है पोजीशन? ये वाला पोस्चर में आप बैठे हो, दिस इज द प्रिपरेटरी पोज। ओके, नाउ बेंड योर नीज फर्स्ट अपवर्ड। हाँ, नाउ दोनों हाथों से आपके एंकल को पकड़ना है, वेरी गुड। अब आप इनहेल करते हुए पहले अपने थाइस को ऊपर लिफ्ट करोगे, ऊपर की तरफ हाथ से पकड़ के थाइस को ऊपर लिफ्ट करोगे, देन योर चेस्ट विल गेट यू नो बैकवर्ड बेंड, वेरी गुड, एंड आपकी नेक ऊपर की तरफ रहेगी, दिस इज धनुरासन। और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आप अपने चेस्ट को नीचे रखोगे, फिर आपके थाइस को नीचे रखोगे, देन योर हैंड्स विल गो इनटू द नॉर्मल मुद्रा मकरासन और लेग को स्प्रेड करके रखो। दिस इज हाउ यू हैव। सर हम भी करें? आप लोग करो ना, इट्स ओके, कर सकते हो आप, जिसको करना है वो कर सकता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, बिफोर दैट मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ आसन के बारे में, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। So here this technique is mentioned, okay? Lie flat on the stomach with the forehead resting on the floor. Makarasana ka position le lena hai aapko. Bend the knees and hold both the ankles. Theek hai? Jaise maine explain kiya tha abhi, same way you have to, you are supposed to do. Separate the knees. Thoda sa knees mein spread karna hai aapko so that aapko lifting ke liye easy ho jata hai. Okay, inhale while slightly raising the knees. Matlab ki aapko sabse pehle knees ko upar uthana hai. Then head, then chest. At the same time, pull the feet away from the hands and upward. Okay, आपके जो पैर है वो थोड़े से साइड होंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, स्प्रेड होंगे. The whole body should move simultaneously into the posture. मतलब कि आपका जो पूरा बॉडी है ना वो एक्चुअली बो के जैसा बनेगा.
exhale while lowering the body and relaxing on the floor. So जब आप exhale कर रहे हो तब आपको क्या करना है, you have just अपने neck को नीचे करके chest को नीचे किया and then you will have to lower your thighs, knees को नीचे करके release your hands, spread your leg and मकरासन की position में आ जाओ. So these are the steps you need to follow before asking anyone to do this asana. Okay. Okay, now this is very important. Benefits क्या क्या है? धनुरासन आप करवाते हो, बोलोगे कि धनुरासन करवा क्यों रहे हो? सोलर प्लेक्सस, आपका जो मणिपुर चक्र है ना, मणिपुर चक्र पे ऊपर काम करता है. चक्रास का वी आर नॉट स्टडिंग हियर, बट स्टिल यू कैन आस्क देम कि जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं चक्र पे डिपेंड करती है. तो मणिपुर इज योर नेवल, नेवल के पीछे एक मणिपुर चक्र होता है. तो दिस आसना फोकसेस ऑन मणिपुर चक्र. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, तो एक्सक्रेटरी बोलेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, उनके लिए काफी अच्छा है बिकॉज यू आर गेटिंग स्ट्रेच वेयर एट द अब्डोमिनल एरिया एंड द लोअर अब्डोमिनल एरिया, जो कि आपका पेल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिधर आते हैं आपके, ठीक है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम जहां पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन और उसके नीचे का एरिया आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, ये तीनों सिस्टम के ऊपर काम करता है. ये फिजिकल बेनिफिट है किसका, धनुरासन का. फिजिकल बेनिफिट, सो बेनिफिट्स आर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. तो जैसे सोलर प्लेक्सस है ना, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट में आता है. फिजिकल बेनिफिट मतलब कि बॉडी के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है. दूसरा आता है मेंटल बेनिफिट, मन के ऊपर इसका क्या फर्क आता है, ठीक है. तीसरा आता है स्पिरिचुअल बेनिफिट, योग जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में इसका क्या बेनिफिट होता है. तो ये तीन आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, आप इमोशनल भी जोड़ सकते हो उसमें, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स. अब मसाज द लीवर, लीवर कहाँ होता है, आपके अब्डोमिनल और एरिया में होता है, ठीक है ना, अब्डोमिन में. तो लीवर और पैनक्रियास जो है ना, जो पैनक्रियास आपका ग्लैंड है, लीवर है, हेंस यूजफुल फॉर योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. किसी को डायबिटीज का इश्यू है तो ये कुछ कुल मिला के लीवर और अब्डोमिन एरिया को कहीं ना कहीं स्ट्रेच करता है, ठीक है ना. सो इट इज यूजफुल फॉर द योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज का कोई पेशेंट है और आपके पास आता है तो यू कैन आस्क हिम टू डू धनुरासन. तो वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं होना चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा. अधिकतर लो ब्लड प्रेशर होते हैं. किडनीज आर स्टिम्युलेटेड एंड द होल एलिमेंट्री कैनल इज टोल्ड. अभी देखो, किडनीज भी आपके अब्डोमिनल ऑर्गन्स में आती है, ठीक है ना. सो यू कैन स्पीक लाइक दिस. आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कोई भी आसन आप कर रहे हो और जिस एरिया में उसका स्ट्रेच मिल रहा है ना, यू हैव टू स्पीक बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. सिंपल थिंग है और वही होता है. हाँ, जो कोर बेनिफिट है ना, वो सबसे पहले आपको बोलना है. तो ये सारे जो ऑर्गन्स के ऊपर बेनिफिट है, ये सारे हो गए फिजिकल बेनिफिट. चेस्ट एलिमेंट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस चेस्ट एलिमेंट्स. तो चेस्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, ठीक है, तो वो सारे खत्म होते हैं. कोई जो आगे झुक के बैठता है इंसान, ठीक है, तो वो सारे इश्यूज भी सॉल्व होते हैं. मतलब कि ड्रूपिंग शोल्डर, जो शोल्डर आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ, एकदम शिथिल, मतलब तामसिक पर्सनैलिटी होती है ना, जो झुके हुए रहते तो एकदम डल पर्सनैलिटी होती है. धनुरासन जो है ना, उसको खोल के रख देता है. हेल्प्स टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी ये अच्छा है. यू कैन परफॉर्म दिस आसन. करेक्ट फीमेल्स इनफर्टिलिटी इफ द कॉज इज नॉट ड्यू टू द डिफॉर्मिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देमसेल्फ. अगर उसकी वजह से इश्यू नहीं है तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इनफर्टिलिटी, यू नो, इट करेक्ट्स दैट. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अ सिंगल आसन. अब मेंटल लेवल पे कैसा आप बोल सकते हो, मेंटल लेवल पे क्या होता है, आपका एकदम चेस्ट एक्सपांड होता है. जब चेस्ट एक्सपांड होता है तो आपका ब्रीदिंग बढ़ता है. जब ब्रीदिंग आपका बढ़ता है तो आपका मेंटली आप स्ट्रेस भी होते हो. कुल मिला के जो जो आदमी एंग्जियस होता है ना, एंग्जाइटी होती है ना जिसके अंदर, वो बंदे का कहीं ना कहीं धनुरासन हेल्प्स यू टू कम आउट फ्रॉम दैट एंग्जाइटी. तो डर का माहौल से बाहर निकलने के लिए धनुरासन करवाओ, ठीक है. इट ओपन्स अप द बॉडी. कितनी बार करना चाहिए और कितने मिनट तक? होल्डिंग इज बेस्ड ऑन द साधक कैपेसिटी. ओके, 10 सेकंड होल्ड करवाओ, 15 सेकंड होल्ड करवाओ, 20 सेकंड होल्ड करवाओ, देन इंक्रीज द कैपेसिटी. जैसे जैसे उसका स्टेमिना बढ़ता है, यू इंप्रूव दैट. ओके, बट डूइंग इट करेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाइज नीचे है, चेस्ट ऊपर उठा दिया है, ठीक है,
सो रादर डूइंग दैट, आपको योगा ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, वो ब्लॉक्स नीचे रख दिए थाइस के नीचे और फिर आपने उसको लिफ्ट करवाया, मेकिंग हिम करेक्ट फर्स्ट, ओके। करेक्ट होने के बाद आपको उसको होल्ड करवाना है, मैक्सिमम होल्ड, ओके। फाइव टाइम करो भले, थ्री टाइम करो, बट होल्ड इन दैट आसन। आपने 10 बार कर लिया एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर 2 सेकंड एंड देन कमिंग बैक और 5 सेकंड एंड कमिंग बैक, उसका मीनिंग नहीं है कुछ। बेनिफिट्स विल बी देयर इफ यू आर डूइंग इट फॉर लॉन्ग। तो दिस वाज धनुरासन। ये सारे आसन हम करने वाले हैं लेटर ऑन। वज्रासन वी ऑलरेडी डन, आई विल एक्सप्लेन यू द बेनिफिट्स एंड अदर थिंग्स। ओके, वृक्षासन, वृक्षासन हमें करना, चलो ठीक है, वृक्षासन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दिस इज सबसे पहले स्टैंडिंग आसन, खड़े रह के करने वाला आसन, ओके। वामोर मूल देशे च याम्या पादम निदायतु, तिष्ठे तु वृक्षपत वृक्षवत भूमो वृक्षासन विदम विदु। दाहिना पाव बाई जांघ की जड़ से रखकर वृक्ष के समान खड़े होने को वृक्षासन कहते हैं, ओके। अब इसमें कैसा है ना कि दोनों हाथ ऊपर की तरफ पुश करके रखिए एंड नमस्कार की मुद्रा है। इफ समबडी इज नॉट एबल टू स्टैंड इन दैट पोजिशन, कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको आपको नमस्कार की मुद्रा में करवाना है। दिस इज ऑल्सो अ पोजिशन ऑफ वृक्षासन। एक पैर को आपने थाइस के अपर पोर्शन की तरफ तब चिपका दिया और नमस्कार में आ गए। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वृक्षासन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वृक्षासन? वृक्ष मतलब ट्री, ओके। एंड ट्री पोज इज अ स्टैंडिंग पोज दैट रिसेम्बल्स द स्टेडी येट ग्रेसफुल स्टांस ऑफ अ ट्री। अभी देखो, पेड़ जो होता है उसका फीचर क्या है, वो हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है ना, कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा इन द सेंस मतलब वो है, वो स्टेडी स्टेडी पोस्चर है उसका। तो यू हैव टू मेक दैट स्टेडी पोस्चर, ओके, लाइक अ ट्री। कॉम्बिनेशन में वृक्ष मतलब क्या होता है, आसन होता है, सॉरी वृक्ष होता है, और आसन का मतलब सिटिंग पोजिशन और सीट। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर योगा पोजेज, यू हैव टू कीप योर आईज ओपन इन ऑर्डर टू मेक अ ब्यूटिफुल बैलेंस ऑन इट्स ओन। सिर्फ सभी आसन में आपको बोला जाता है कि कीप योर आईज क्लोज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ऑर्गन्स, ठीक है। बट वृक्षासन एक ऐसा आसन है जिसमें यू कैन नॉट डू दिस क्लोजिंग योर आईज, कोई कर नहीं सकेगा, आंखें बंद करके नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज, अगर हमारा माइंड स्टेबल हो या मेडिटेशन करते हो तो आईज क्लोज करके भी हम ये कर सकते हैं। आईज क्लोज करके कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज टफ, नहीं होता है वो थोड़ा बैलेंस, ठीक है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड आपको आंखें खुली रखनी है तो आपको क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना है वृक्षासन में, आपको सामने की तरफ 1 पॉइंट फोकस करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस, यू कैन गेन दैट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। एक सामने, एक सीध में आप नजर में एक पॉइंट को देखोगे, जैसे वो पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हुए, मतलब आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, जैसे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आंख बंद करना तो दूर की बात हो जाती है, ओके। कोई हाई ब्लड प्रेशर है, आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन नहीं करेगा, कोई बंदा है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको आप करवाओगे लेकिन उसको हाथ ऊपर रेज नहीं कर पाते, ऑलराइट, हाथ जो है वो नमस्कार की मुद्रा में रख पाएंगे। किसी को चक्कर आता है, वर्टिगो का इश्यू है, उसको ये नहीं करवाओगे, नहीं तो वो गिर जाएगा। Okay, this steps you need not to remember. Neuromuscular coordination, आपका concentration, focus कहीं ना कहीं इससे improve होता है। Backbone जो है वो stretch होता है, improves poise and balance, okay? अभी कैसा होता है ना कि जब आप एक पादासन, sorry, वृक्षासन आप कर रहे हो और एक पैर पे आप खड़े होते हो तो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस से बनता है। इनिशियली आपका नहीं बनेगा बैलेंस, आप सामने देखोगे, फोकस करोगे, आपका बैलेंस होगा, तो बैलेंस कहीं ना कहीं रिसेंबल होता है इससे, ठीक है ना। डिपेंड्स विद थोराक्स, थोराक्स मतलब आपका जो चेस्ट वाला जो एरिया है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच होता है ना, तो आपका जो एक्सपांड होता है,
तो आपका थोरासिक रीजन रीजन जो होता है वहां पे कहीं ना कहीं ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज स्टिम्युलेट्स मेंटल एक्टिविटी, मेंटली आपको बेनिफिट मिलता है इससे, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं फोकस जो बताया है पहले मैंने वो बढ़ता है। टाइटिका जो किसी को प्रॉब्लम है उसको उसका मतलब इसमें बेनिफिट है, ठीक है ना। किसी को साइटिका मतलब साइटिका बोलेगा तो थाइस से आपका पैर की जो एक नस होती है वो कहीं ना कहीं मतलब पेन करती है साइटिका, ठीक है, तो उसके लिए ये आसन सो फिजिकल लेवल पे ये बेनिफिट उसको है। लेग मसल टोन करता है ये, स्ट्रेंथन नी एंड फ्रीज हिप जॉइंट। हिप जॉइंट्स में अगर मान लो लेट से आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो या हिप जॉइंट्स आपका में स्टिफनेस है, ये स्टिफ हिप जॉइंट को ओपन करता है बिकॉज आप थाइस को कहीं ना कहीं ऊपर करके आपने हिप को ओपन किया है। ओके, शोल्डर एंड आईज एंड इनर ईयर, ओके, ये बेनिफिट इसका और है कि आपके जो शोल्डर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं कि आप ऊपर की तरफ उनको लिफ्ट करके रखे हुए, आपकी आंखें और ईयर्स, ईयर्स का भी इसके अंदर बेनिफिट दिया गया आसन में। डायरेक्टली आई कैन नॉट रिलेट दैट ईयर्स का कैसे होता है, बट सिंस आप ओपन आई से एक जगह पे पॉइंट पे फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। एंड एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दैट दे आर सेइंग दैट इनर ईयर्स को भी फायदा पहुंचता है इससे, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वृक्षासन। मंडुकासन, ओके, हमारे पास टाइम अभी शॉर्ट है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन यू डूइंग दीज आसनास, जो दोनों आसन हमने किया है, जस्ट वॉच इट एंड देन यू विल बी परफॉर्मिंग टुमारो ड्यूरिंग द क्लास।